दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत के एक बेहद ही खूबसूरत राज्य के बारे में जानेंगे, जिसको सुनने के बाद आपका मन यहां जाने को जरूर कहेगा। एक ऐसा राज्य है जहां 45% लड़के और लड़कियां शादी से पहले ही अपनी प्रेमिका के साथ सेक्स कर चुके होते हैं, और एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वनस्पतियों की झुरमुट और कल कल करते झरने, खास तरीके से की गई धान की खेती, ये जगह प्राकृतिक प्रेमियों को स्वर्ग का एहसास दिलाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मिजोरम राज्य के बारे में। मिजोरम की सीमा भारत के 3 राज्य और 2 देशों से मिलती है। यह राज्य दक्षिण और पूर्वी सीमा में म्यांमार और पश्चिमी सीमा में बांग्लादेश से अपना बॉर्डर साझा करता है। वहीं पश्चिम उत्तर सीमा में भारत के त्रिपुरा राज्य, उत्तर में असम राज्य और पूर्वोत्तर में मणिपुर अपना बॉर्डर इसके साथ साझा करते हैं। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है, जो कि इस राज्य का सबसे घनी आबादी वाला शहर भी माना जाता है। यहाँ की कुल आबादी 12,60,000 के लगभग है। साथ ही इस राज्य के क्षेत्रफल की बात करें तो यह राज्य 21,081 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और इस राज्य की डाक सूचक संख्या 796 है। यह बात आपको जान के हैरानी हो सकती है कि मिजोरम राज्य आबादी के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य भी है। साथ ही इस राज्य की साक्षरता दर की बात करी जाए तो यहाँ की साक्षरता दर 93% के आसपास है, जो कि हमारे देश केरल राज्य के बाद भारत का दूसरा सबसे साक्षर राज्य माना जाता है। इस राज्य की मुख्य भाषा मिजो है, और यहाँ के कई लोग ईसाई धर्म को भी मानते हैं। इसी वजह से यहाँ पर दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा इंग्लिश है। मिजोरम राज्य की आर्थिक स्थिति भारत में काफी अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर बहुत से लोग खेतीबाड़ी करते हैं, और यहाँ के निवासी मुख्य तौर पर संतरा, चावल, मक्का, दालें, गन्ना, अदरक और टमाटर आदि की फसलें उगाया करते हैं। यह राज्य बहुत ज्यादा खूबसूरत माना जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके, हरी भरी घाटियाँ, घुमावदार नदियाँ मिजोरम की जान हैं। नीले पहाड़ों और खिलखिलाते हिल स्टेशन में बसा यह छोटा सा राज्य अपने आप में प्राकृतिक खूबसूरती बटोरे हुए है। क्या आप जानते हैं कि किसी जमाने में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने जाने वाला मिजोरम राज्य सन 1886 में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में शामिल हो गया था। अगर आपको प्रकृति से भरपूर मजे लेने हैं, या आप एक प्रकृति प्रेमी हैं, तो मिजोरम की यात्रा आपके लिए एक बार तो जरूर बनती ही है। मिजोरम राज्य एक खास तरीके की खेती के लिए भी जाना जाता है, जिसे झूम खेती कहते हैं। इस राज्य का प्रमुख त्यौहार है चाप चाल को, जिसे बसंत महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इसे झूम खेती के मेहनत भरे कठिनाई कार्य खत्म होने के बाद मनाया जाता है, और इसको मार्च के माह में मनाते हैं। साथ ही इस राज्य का लगभग 35% हिस्सा घने जंगलों से भरा पड़ा है, और इसी वजह से वर्षा ऋतु में बारिश यहाँ पर जमकर होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिजोरम में मार्च से लेकर सितंबर तक लगातार बारिश होती रहती है। मिजोरम की जलवायु हमेशा से आरामदायक और सुखद होती है। गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान लगभग 21 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास रहता है, और ठंड के मौसम में 7 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ का तापमान गिर जाता है। मिजोरम की लड़कियाँ काफी फ्रेंडली और सुंदर मानी जाती हैं। यहाँ की लड़कियाँ अतिथियों का स्वागत दिल खोल कर करती हैं। लेकिन दोस्तों, एक सर्वे के दौरान मिजोरम की 45% लड़कियाँ और लड़के शादी से पहले सेक्स कर चुके होते हैं। यह राज्य लड़कियों के लिहाज से काफी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों के छेड़छाड़ के केस ना के बराबर आते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत का एक बेहद ही खूबसूरत राज्य। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक देकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।